मतलब कॉल ऑफ ड्यूटी मोबाइल हमने जो प्रीमियर लीग अपना चालू करा था, CMPL जो चालू करा था, उसका आज पहला डे है, ग्रुप वन है, डे वन है और बहुत ज्यादा एक्साइट। तो आज बहुत अच्छी अच्छी लाइक टीम्स जो है आपस में भिड़ने वाली है। आज ग्रुप वन है और अगर मैं ग्रुप ए है और मैं बोलूंगा डे जो है वो वन है। तो गाइज हम रोज लाइव आने वाले 7 बजे, आप लोगों को पहले से मैं बोलूंगा वो दिख जाएगा, केवल से रिमाइंडर दिख जाएगा कि एक शेड्यूल स्ट्रीम दिख जाएगी, आप लोगों को उसमें लाइक रिमाइंडर सेट कर देना और तैयार बैठे रहना है कि आपको यहाँ पे सपोर्ट दिखाना ही दिखाना है। और अगर हम बात करें जिस हिसाब से गेम के जाने वाले ना, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि यार BR में, क्योंकि मैंने MP के बहुत मैचेस कास्ट करें, बहुत क्या यार जितने भी MP में मेजर टूर्नामेंट हुए हैं मैंने कास्ट करें। यार भाई मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैप जो देख रहा हूँ, और टीम अपने अपनी लोकेशन और स्ट्रेटजी के हिसाब से जा चुकी है, अच्छी टीम आ जाएगा। लेकिन इनके सामने आप देख पा रहे हैं 6 नंबर की टीम जो है वो भी उतर रही है। तो हमें इनिशियल स्टेज में यार फ्लाई है, हमें देखने को मिलता है कि फाइट हो सकती है यहाँ पर, और इनके पास कुल्हाड़ी है, देखो उतरते कुछ ना कुछ तो मिलता ही है तुम्हें, तो वो इनके पास पहले से। लेकिन यहाँ पे मैनोवर मिल गई ना, हाँ बिल्कुल मैनोवर PC19 मिल चुकी है यहाँ पे। ओ एकदम बूम बम स्टार्ट भी कर दिया, बहुत मींस एकदम गन मिली और एकदम ऑन द स्पॉट इन्होंने एम करके उसको धराशाही कर दिया। इन्होंने पूरा कब्जा जमा लिया, उनके टीममेट्स को डाउन कर दिया है। अब देखना चाहेंगे ये लोग कैसे इन पूरी टीम को। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अगर हम बात करते हैं जिस तरह से गेम प्ले चल रहा है इनका गॉडजिला का, यार इनकी मूवमेंट देखिए, ये मुझे लगा एक प्लेन नहीं दो प्लेन को इतना बढ़िया मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हम ना मूवमेंट से ही जान पा रहे हैं कि हाँ इनका जो गेम प्ले जा रहा है वो इतना बढ़िया। लेकिन अगर बात करते हैं 6 नंबर की टीम के, जिनका एक प्लेयर, ओ माय गॉड, एक प्लेयर नहीं दो प्लेयर नहीं तीन प्लेयर जो है वो डाउन हो गए, जो स्पाई ओपी है भाई गौरव भाई, आप देख पा रहे हैं ओनली वन बंदे बचे, एग्जैक्टली ओनली एक, और वो बैक ऑफ वो चाह रहा है कि मैं कैसे भी जिंदा रहूं अपनी टीम को। ये लोगों ने टीम हटा दी, क्या खेल रही है, पता नहीं क्या डिसीजन है। और यहाँ से ऊपर से 8 नंबर टीम 5 नंबर की टीम को ऊपर से देखते हुए इनका सीन बनाने के लिए तैयार बैठी है, लेट्स सी। और यहाँ पे उड़न तस्त्र से उड़ा जा चुका है, अब देखते हैं। और यहाँ पे फाइट चालू हो चुकी है, 8 नंबर टीम इज डाउन, अबाउट टू गेट डाउन। और एग्जैक्टली जिस हिसाब से गेम प्ले चल रहा है ना, मुझे लग रहा है बहुत 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 तगड़ा ही कुछ दिखाने वाले हमें। लेकिन एक बंदा डाउन भी हो उसको तो रिवाइव चला जा रहा है। लेकिन आप देखिए ग्रेनेड यहाँ पे जितने भी रिसोर्सेज है सबका बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं। ओ ओ ओ ओ यहाँ पे टाइप 25 से यहाँ पे नॉकआउट भी कर दिया गया, अपने टीममेट को बचाने की कोशिश भी करी जाएगी। लेकिन निकलने की बात ये है कि क्या वो सही टाइम रहते यहाँ पे टीममेट को रिवाइव कर पाएंगे, बिकॉज यहाँ पे आप देख पा रहे पूरा कुंभ का मेला लग चुका है। मतलब इतना ज्यादा जमावड़ा हमें देखने को मिल रहा है पूरे पूरे प्लेयर्स का कि हम कुछ भी सोच नहीं सकते। एक गलत मिस्टेक और आपकी उसी मिस्टेक का अच्छा सा अच्छा फायदा उठाने में बिल्कुल भी चूके करनी आपका नहीं। क्या लगता है आपको प्लेयर नंबर 5 की जो टीम है वो एक्चुअली मिस दब चुकी है, उनके लोग हावी हो चुके हैं, जो इनके अपोनेंट वो इनके हावी हो चुके हैं, जोन इनके अलग खिलाफ जा चुका है। डॉग टैग उठाना जरूरी है कि टीम को बचाएंगे तभी तो आगे जीत पाएंगे मेरे भाई। काफी अच्छा मुझे लग रहा है कि हाँ उनके पास एक अच्छी पोजीशन है, क्योंकि काफी जोन के नजदीक भी है, कोई भी दिक्कत है वो बच सकते हैं। लेकिन मुसीबत वो नहीं लिख रहे, मुसीबत में उनका एनिमी है। और यहाँ पे एक बंदे ने दो बंदों को नॉकआउट करने का सोचा और एक बंदे को नॉकआउट कर दिया, उन्होंने दूसरे बंदे को देखना चाहिए और मेरे को देख रहा है कि ये बंदा अकेले ही दो बंदों को नॉकआउट कर देगा। जी हाँ जिस हिसाब से उनका गेम प्ले चला, TR इनर्शिया, ओ माय गॉड भाई क्या खेला ही लड़का, मतलब एक 117 दे उसके हाथ में, बाकी दो बंदे आ जाए कोई भी बंदे आ जाए ये नहीं पलट के देखता भाई, ये नहीं देखता कौन आ रहा सामने, और ये भी फॉर श्योर फाइट लेने ही वाले हैं। और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि नंबर 5 और 13 के बीच में फाइट चल रही है, देखते हैं कौन इनमें से हावी होता है एक दूसरे के ऊपर। दोनों ही लोग ऊपर नीचे बैठ के एक छत के ऊपर, बहनोई जो सोए हैं ऊपर से नीचे मार रहे हैं, लेकिन स्मोक का फायदा उठाया जा रहा है, स्मोक के अंदर देखा जा सकता है। बताइए मेजर बियाड़ा को क्या कहना है भाई, मेरा तो यही कहना है कि यहाँ पर जो चल रहा है वो चूहा बिल्ली वो नहीं देखा था आपने जो बचपन में, ओह भाई साहब क्लस्टर ग्रेनेड से भी यहाँ पे स्किल लिए जा रहे हैं। लेकिन मुझे ना इस सब को देख के एक शो की याद आई है यार, जो बहुत पहले जो छोटे हुआ करते थे एक शो आता था टॉम एंड जेरी शो, टॉम एंड जेरी आता था जिसमें टॉम एंड जेरी करके वो होता था, मुझे पूरा वही सिचुएशन यहाँ पे देखने को मिलती है कि भाई भागा दौड़ी चली जा रही है, बिल्कुल भी कोई किसी ने अगर रुकने का सोचा ना तो वो बचेगा नहीं, मतलब टॉम पकड़ के उसको खा जाएगा। तो उसी हिसाब से कोई भी मौका नहीं दिया अपने एनिमी को, बिल्कुल सामने और एकदम से पुच्ची मतलब चुम्मा उनको दे दिया गया कि भैया आपको हम कल मिलते हैं और आप लो मेरे जरा गन की चुम्मी लो और जाओ। वो मेरे ख्याल से जो जितने भी प्लेयर्स हैं वो सिर्फ बचे 3, या सिर्फ 3 प्लेयर बचे और 17 और ऑलरेडी डैमेज्ड है और
अब 1v1 का सीन हम देख सकते हैं क्योंकि अब हेल्थ रिकरेंट हो गई। दोनों लोग इस ड्यूड को भारी पड़ते हैं, ड्यूड दोनों में भारी पड़ता है, लिटरली हम लोग देखना चाहेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से ड्यूड प्लान कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं। लविश क्या, लविश क्या, लविश क्या, कोई आईडिया नहीं इसको लविश को। ओ लविश को डाउन भी कर दिया, ओ माय गॉडनेस, एको ओपिया पे चलते भी। लेकिन मैं देखो दूसरे प्लेयर को भी मैंने देख लिया, 1v2 आराम से कर सकता है, 1v2 में करने को कोई दिक्कत नहीं आएगी। यहां पे शॉट लगा देंगे और 1v2 कर दिया ड्यूड, ओ माय गॉडनेस। AK-47 like long and mid range, आप क्लोज में नहीं जीत सकते। और यहाँ पे हमारे पास जो है लॉबी बनके तैयार है, गेम आ चुकी है। सॉरी टू इंटरप्ट यू मेरे भाई गौरव भाई, लेकिन यहाँ पर ना बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है कि एक जो टीम है, एक जो लाइक हमारा जो फ्लाइट पाथ है उसको देख लिया जाए पहले, बिकॉज यहाँ पे हम देख रहे हैं फ्लाइट पाथ। ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये फ्लाइट पाथ ऐसा जो है कि जिस बंदे को मान लो क्रैश पर जाना है या पाइपलाइन पर जाना है, न्यू टॉप जाना है, जिनका ड्रॉप लोकेशन वहां पर है, वहां पे जाने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है उनको। एक बहुत लंबा रोटेशन जो है वो काटना पड़ेगा, क्या लगता है आपको? मैं तो देख रहा हूँ ऐसा लग रहा है इस फ्लाइट पाथ को देखते कि लॉकडाउन आधे एरिया में लग चुका है, आधा एरिया अभी भी लॉकडाउन नहीं है, आधे लोग उधर उतर चुके हैं, लेकिन अभी भी जो टीम है एक दूसरे से दूर हो रही है, अपने अपनी लोकेशन के हिसाब से, अपनी अपनी जगह और स्ट्रेटजी के हिसाब से आगे बढ़ चुकी है। 404 को यहाँ पे डाउन करा है, एरन 404 यहाँ पे डाउन किया, और भाई साहब यहाँ पे तो बहुत ज्यादा तरीके से गेम प्ले चल रहा है, बिकॉज आप देख रहे हैं एमकॉप भी यहाँ पे आ रखी है। और एमकॉप मैं आपको बताना चाहूंगा वन ऑफ द बेस्ट टीम हमें मानी जाती है यहाँ पे कॉल ऑफ ड्यूटी वीआर में, जिस हिसाब से टीआर खेलती है उस हिसाब से एमकॉप भी खेलती है। तो जब ये देखिए ना जो बीआर की जो क्रीम लेयर्स है, जो क्रीम टीम है, जो बढ़िया बढ़िया खेलती है, एक मार्च सोचिए अभी तो ग्रुप वन चल रहा है, ग्रुप वन का डे वन चल रहा है भाई, सोचो जब वो चीज होगा, जब ऐसी ऐसी जो टीम्स है आपस में एक दूसरे से भिड़ रही होगी, तो सोचो वो जो लॉबी होगी देखने वाली, वो सोचो वो कास्टिंग लेवल, जो एनर्जी लेवल होगा, वो जो एक माहौल होगा वो कितना है, वो यहाँ पे मौजूद है बहुत ही उमदा तरीके से गेम का एक दिखाते नजर आ रहे हैं। यहाँ पे दो नंबर की टीम यहाँ पे धप्पा करना चाहेंगे, धप्पा और धप्पा कर दीजिएगा यहाँ पर बिल्कुल तरीके से धप्पा। ओ भाई बीस्ट भाई, अच्छा भाई मेरा नाम रोशन करा जा रहा है यहाँ पे, मेजर बीस्ट यहाँ पे बहुत बढ़िया। लेकिन यहाँ पे बहुत तरीके से यहाँ पे एलिमिनेट करते दो बंदे को पीछे, 15 नंबर टीम को देख रहे हैं, 12 नंबर टीम की बात करते हैं, टीम जीरो की बात करते हैं, या टीम जीरो ने पूरी पूरी अपनी गाड़ी ले रही है, गड्डी लेके निकल चले हैं, कोई दिक्कत नहीं है कि पाजी नंदे पास, बिकॉज मैं देख पा रहा हूँ इनके पास एक अच्छी सी गाड़ी है, सारे के सारे जो चार दोस्त हैं आपस में गाड़ी में बैठ के आराम से लॉन्ग ड्राइव पर निकल चुके हैं, आसपास कोई बंदे हैं भी नहीं इनके, तो लूट भी नहीं, लेकिन नहीं आसपास बंदे मैंने बोला नहीं है, लेकिन यहाँ पे 10 नंबर की टीम का इंतजार कर रही थी, गॉड लेवल की टीम उनके सामने दिख रही है, और गॉड के डेविल डाउन हो चुके हैं, बहुत ज्यादा डाउन उनको कर दिया गया, दिख रही बात है वो सर्कस से बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे। यहाँ पे अपने निंजा का यूज करके कह रहे हैं, अगर आपके पास रिसोर्सेज आ रहा है, आपके पास ऑपरेटर्स के लिए, अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे टाइम पे, तो बहुत ही मुझे निराशा होती है। लेकिन यहाँ पे उन्होंने हील तो करा था, लेकिन हील करने का टाइम नहीं दिखा, ऊपर गए उनको दोबारा से डाउन करा, लेकिन मैं देख रहा हूँ दो डेविल बाल बाल बचते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नहीं एक बिल्ली जो है वो अपने शिकार को जिस हिसाब से करते हैं, एक शेर सबका तो शिकार करता है उस हिसाब से यहाँ पे शिकार कर रहे हैं जीरो ड्रैगन ड्रैगन ने, बिकॉज आप देख पा रहे ना उन्होंने उनका पीछे छोड़ा ही नहीं, लास्ट दम तक उन्होंने उनका पीछे नहीं छोड़ा, गोड डेविल को जो गॉड के जो डेविल है उनको बिल्कुल भी तरीके से एक छुपने नहीं दिया गया, उनको कवर नहीं देने दिया। और गॉड फादर जो है, मैं बोलना चाहूंगा उनका जो टीम का नाम है गॉड और उनका जो नाम है वो है फादर, तो यार वो आना चाह रहे थे उनको बचा रहे, लेकिन उन्होंने मेरे ख्याल से कॉल आउट सुन लिया होगा कि यार यहाँ पे बताइए भाई मेरे तू जा भाग, अर्जुन भाग यहाँ से भाग, मेरी चिंता ना कर, क्योंकि वहां पे पूरे का पूरा जो स्क्वाड है वो मौजूद से गेम पे चल रहा है ना, वो एक अलग लेवल पे जा रहा है। मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ इस पूरी पूरी प्रदर्शन से, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ जिस हिसाब से गेम पे दिखा रहे हैं। आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप क्या सोचते हो इसके बारे में फ्लायर सर? यहाँ पे जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ नंबर जो 16 है और 4 के बीच में घमासान लड़ाई हो चुकी है, 16 का एक प्लेयर डाउन भी है, और यहाँ पे आई गेस पूरी 16 प्लेयर बिल्कुल हटा दी गई, यू आर ओवर, लेकिन बाल बाल बचे और यहाँ पे अपना कोई रिवाइव कर रहे, लेकिन ऊपर से उनको गोलियां पड़ रही है, ऊपर से गोलियां पड़ रही है, उनको बचना पड़ेगा, उनको समझ नहीं आ रहा गोलियां कहाँ से पड़ रही है, आखिरी में गोलियां कहाँ से पड़ रही है, बाल बाल बचे अपना रिवाइव भी करा गया, लेकिन उनके स्टन ग्रेनेड गैस ग्रेनेड जो है वो आ गए यार। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए बंदे को, वो यहाँ पे देखने को हमें मिलने वाला है। ऐसी जो सिचुएशन में क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, T1 पर क्या स्ट्रैटेजी बनाते हैं, वो हमें यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि 8, 9, 4, 11 नंबर की जो टीम है, 5 नंबर की जो टीम है, तीन नंबर की जो टीम है वो यहाँ पे फंस चुकी है, लेकिन बाल बाल बचे वीएड के बिलोंग, उन्होंने एक प्लेयर को 4G के हंटर को यहाँ पे डाउन करा, 12 जो प्लेयर्स है वो अभी भी लाइव है। और यहाँ पे सबसे ज्यादा फायदे में मुझे दिखाई दे रही है ब्लाइंड स्पोर्ट्स की टीम, चारों के चारों जो प्लेयर है वो लाइव हमें दिखाई दे रहे। ब्लाइंड के बारे में मैंने काफी सुना, मिस एमपी पे भी इनकी पकड़ तगड़ी है, और बीआर में मैं देख पा रहा हूँ कितना हैवी मिस इनके स्किल्स दिख रहे हैं मुझे, और ब्लाइंड जो है मिस ऊपर से अब चील की निगाह से देखेंगे कौन कहाँ इनका शिकार है, अपने टीममेट्स को कॉल आउट देंगे और ये लोग आगे बढ़ के इनको मारे। हाई ग्राउंड का फायदा लेते हुए देखिए ऊपर सामने वीएड है और स्प्रे चल रहा है एके का, 9 नंबर की उनको शॉट भी लग रहा है, बट
वो अपनी टीम के वापस जाते हुए और नहीं बट वो दुश्मन के पास जाते हुए दुश्मन स्पॉटेड एंड दुश्मन इज नो मोर एट ऑल और अपनी टीम के साथ वापस जुड़ते हुए 15 नंबर जोजो की जिंदगी खतरे में, ऊपर से प्लस नीचे से हर जगह से गोली का स्पैम आता हुआ 15 नंबर कैसे उठ पाएगा, लेट्स सी। और यहां पे पूरा एक दूसरे के सामने समझ नहीं आ रहा अपनी टीम कौन सी है और एनिमी की टीम कौन सी है। ब्लाइंड भी नीचे आते हुए और इतने छोटे सर्किल में तीन तीन टीमें, चार चार टीमें दिख रही हैं और ब्लाइंड का एक मेंबर डाउन और दूसरा मेंबर हवाओं में है और यहाँ पे मेडिक का यूज हो रहा है, दोनों लोग मेडिक का यूज कर रहे हैं और आपस में सामने लड़ भी रहे। वाओ मैन, बहुत पूरा एक टीम और ऊपर से जब आपकी टीम ब्लाइंड ई स्पोर्ट्स जैसी टीम होती है ना तो यार आपका जीतना जो है बिल्कुल लाजमी हो जाता है यहाँ पर। ब्लाइंड